हाई एवरी वन माई नेम भनेजा एंड डोज ऑफ़ यू वो आर टूब चैनल आई एम एन आई पी एम स्टूडेंट आई एम रोहक एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है अपना वर्बल रीजनिंग के लिए तो वर्बल रीजनिंग ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमें समझ में नहीं आता कि कैसे प्रिपेयर करें जब भी बुक खोलते हैं तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं मेरे साथ भी ऐसे ही होता था क्योंकि वर्बल रीजनिंग के अंदर ऐसा कोई प्लान है नहीं अगर आप चाहते हैं कि मैं बिना पढ़े जाऊँ तो आप बिना पढ़े भी जा सकते हैं वर्बल रीजनिंग के लिए लेकिन क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि कैसे प्रिपेयर करना है तो मैं आपको अपनी टिप्स बता सकता हूँ कि मैंने क्या क्या देखा है कि क्या इंपॉर्टेंट होता है वर्बल रीजनिंग के अंदर तो मैं यहाँ पर लिख के बैठा हूँ एंड हम बात करते हैं कि वर्बल रीजनिंग के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं पहले तो तो सबसे पहले क्वेश्चन जो वर्बल रीजनिंग में आते हैं वो थे मीनिंग के ऊपर बेस्ड यानी कि आ, वो चेक करते हैं कि आपको कितने ज़्यादा वर्ड्स की मीनिंग आते हैं अब इसको पूछने के एक नहीं बहुत सारे तरीके हैं या तो वो क्या करेंगे कि आपको मीनिंग दे देंगे एंड देन चार ऑप्शन देंगे अलग अलग वर्ड होंगे उसके अंदर एंड आपको बताना होगा कि जो गिवन मीनिंग है ये कौन से वर्ड का मीनिंग है यानी कि आपको करेक्ट वर्ड चूज़ करना है ठीक है तो उन्होंने पूछा भाई कि आपको मीनिंग बताना है वर्ड का नेक्स्ट वो क्या कर सकते हैं आपको वर्ड दिया है एंड चार डिफरेंट टाइप ऑफ मीनिंग दे रखे हैं एंड आपको बताना है कौन सा सही मीनिंग है सेम चीज़ हो गई बस उल्टा कर दिया है उसके अलावा वो लोग क्या करते हैं कि ऑर्ड वन आउट दे देते हैं यानी कि आपको चार वर्ड दे, दे देंगे एंड चार वर्ड में से तीन वर्ड का मीनिंग सिमिलर होगा एंड एक वर्ड होगा जो शायद डिफरेंट मीनिंग का होगा जैसे कि ब्रेव करेजियस एंड एक और किसी उन्होंने दे दिया ऑडेशियस so, या कुछ दे दिया तो आपको ये पता होना चाहिए आपको चारों वर्ड की मीनिंग पता होना चाहिए तभी आप ऑड वन आउट टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ कि तीन वर्ड जिनके मीनिंग सेम है और एक वर्ड उन्होंने कावर्ड दे दिया सपोज तो इसका मतलब कावर्ड उसमें हमारा ऑर्ड वन आउट है और हमें टिक करना है तो हमें चारों वर्ड की मीनिंग पता होना चाहिए ये भी मीनिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हो गया एक और आ सकता है कि मैच द कॉलम कि मतलब आपको दो कॉलम दे रखे हैं दोनों के अंदर कुछ वर्ड दे रखे हैं एंड आपको मैच करना है कि कौन से सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हैं ठीक है तो जैसे मैच द फॉलोइंग होता है आपको मैच करना है तो ये भी मीनिंग वाले क्वेश्चन हो गए तो कहने का ये मतलब है केवल मीनिंग मीनिंग के ऊपर ही वो चार डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड बना सकते हैं अब मीनिंग के लिए प्रिपेयर कैसे करना है मीनिंग के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं होती है आपको जो वर्ड की मीनिंग आते हैं वही आपको पता होंगे जो आपने आज तक रीडिंग करी है जितने आप वर्ड देखे हैं आपने अगर आपको कुछ प्रिपेयर करना ही है तो जैसे आप बुक्स लेंगे तो उसके अंदर क्या होता है वो आपको ए टू जी बहुत सारे वर्ड लिखे होते हैं और सबके मीनिंग होते हैं अगर आप में उतनी हिम्मत है और आपका मन है तो आप उन सब वर्ड्स को पढ़ सकते हैं एंड आपको नए नए मीनिंग पता लग जाएंगे लेकिन मेरे ख्याल से ये एक लाइफ वाली चीज़ है कि आपको जितने ज़्यादा वर्ड आप इंक्लूसिव रहते हैं जब भी आप कुछ नया पढ़ रहे हैं आपने कोई वर्ड सर्च कर लिया तो आपका ऑलरेडी ये पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा यानी कि आपकी वोकेबिलिटी ऑलरेडी स्ट्रांग होगी मेरा ये मानना नहीं है कि आप दो तीन दिन में बैठ के बहुत सारे वर्ड पढ़ लेंगे एंड आपको सबकी मीनिंग आ जाएंगे मैंने ऐसा नहीं किया था एंड मेरा पेपर ठीक ठाक ही किया था सो so, आप पे डिपेंड करता है आपको ऐसे किसी बुक से बहुत सारे जो वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग बैठ के पढ़ने हैं तो आप पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ने तो मेरे ख्याल से आप इसको यू you नो know, भगवान भरोसे भी छोड़ सकते हैं जितना आपको आता है उतने के ऊपर आप जा सकते हैं पेपर देने नेक्स्ट हम बात करते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस की अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप थोड़ी पढ़ाई कर सकते हैं इडियम्स क्या होते हैं जैसे कि एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग यानी कि हर बुरी चीज़ के बाद एक अच्छी चीज़ आती है तो ये तो एक ई हो गया लेकिन ऐसे बहुत सारे ई होते हैं एंड आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं या आपके पास कोई यू नो बुक है तो उसके अंदर भी ई आपको मिल जाएंगे जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं उस बुक में होंगे ई वर्बल रीजनिंग की बुक में तो आप उसके थ्रू ई पढ़ के जा सकते हैं नेक्स्ट होता है मेल फीमेल वाले क्वेश्चन इसमें क्या होता है कि आपको एक सपोज दे रखा है यू नो गैंडर गैंडर का फीमेल गूज राइट या काओ काओ का मेल बुल या फिर मिस्टर का मिसेस ठीक है तो मैं वो बहुत सिंपल वाले बता रहा हूँ लेकिन काफी कॉम्प्लेक्स वाले भी आते हैं इसके अंदर एंड आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस काफी आई पी एम एग्जाम में या बाकी एन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं इसके ऊपर जैसे कि हॉर्स का फीमेल क्या है हॉर्स टैलियन मैं भी इतना शोर नहीं हूँ लेकिन आप चेक कर लेना एक बार ऐसे वाले क्वेश्चन देख लेना है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट होते हैं नेक्स्ट होता है स्पेलिंग्स स्पेलिंग्स में क्या होता है कि आपको चार डिफ uh, मतलब एक ही वर्ड होगा लेकिन उसकी डिफरेंट स्पेलिंग्स होंगी चार तो आपको देखना होगा कौन सी स्पेलिंग सही है ठीक है जैसे कि सपोज कोई डिफरेंट ऑस्टेंटेशियस है ऑस्टेंटेशियस में वो कभी एक एक ऑप्शन में द, डबल ओ है एक के अंदर डबल एस है एक में डबल टी है शायद तो आपको बताना है कि कौन सी वाली स्पेलिंग सही स्पेलिंग है इसमें से तो ये वाले क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है एंड स्पेलिंग वाले क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर बहुत गलती होती है क्योंकि एम सी क्यू में होता क्या है जब हम अलग अलग ऑप्शन को देखते हैं तो हम बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं तो इसकी भी प्रिपरेशन मेरे को समझ में नहीं आती है कि मैं आपको कैसे बताऊँ कैसे प्रिपेयर करना है आपको अ, जो मैं ये नहीं कह सकती आप बैठ के सारी जितने भी वर्ड हैं इंग्लिश के अंदर उस सबकी आप स्पेलिंग लर्न करें क्योंकि ये थोड़ा इम्पॉसिबल सी चीज़ है तो इसके अंदर भी मेरे ख्याल से आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना ताकि एक यू नो हैंग हो जाए इस टाइप के क्वेश्चन को करने का लेकिन प्रिपरेशन में ज़्यादा कुछ है नहीं नेक्स्ट होता है रीडिंग कॉम्पिटेंशन रीडिंग कॉम्पिटेंशन में तो सिंपल ये आपको पैसेज पढ़ना है एंड क्वेश्चन के आंसर देने हैं क्वेश्चंस पहले पढ़ लो ताकि आप यू नो जब पैसेज पढ़ रहे हो तो आपको आंसर फटाफट मिल जाए इसमें मैं आपको कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ ये आप रीडिंग पैसेज बहुत टाइम से करते आ रहे होंगे अपने स्कूल में भी आपने किया होगा तो इसके बारे में भी मेरे को लगता नहीं कि आपको की जरूरत है अलग से करना है तो आप दो चार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं लेकिन वैसे इसको छोड़ भी सकते हैं आप नेक्स्ट होता है एनालॉजी वाले क्वेश्चन एनालॉजी वाले क्वेश्चन होते हैं कि मैंने एग्जाम पर लिख रखा है जैसे जर्म का डिजीज यानी कि जर्म से डिजीज होता है ठीक है अब कोई भी छठी क्लास का बच्चा भी होगा वो समझ जाएगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जर्म का डिजीज और आपको ऑप्शन दे रखे हैं मैन वुमेन वॉर डिस्ट्रक्शन डॉक्टर मेडिसिन ऑब्वियसली जब जर्म से डिजीज होता है तो वॉर से डिस्ट्रक्शन होती है यानी कि जो आपको पहले क्वेश्चन में दे रखा है उसी के सेम रिलेशन uh, वाला आपको एक आंसर ढूंढना है तो ये बहुत सिंपल होते हैं वाले इसमें मैं आपको uh, एक मैंने एग्जाम्पल दे दिया ऐसे आप और क्वेश्चन कर सकते हैं मेरी ही एक सजेशन है एक अच्छी बुक ले लेना एंड बुक से मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यार कमेंट्स में कि आप कौन सी बुक करते हो यार मैंने बार बार बोला है बुक मैटर इतनी नहीं करती कि आप कौन सी वाली कर रहे हो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता मैं कौन सी बुक कर रहा हूँ मेरे को था कि क्वेश्चन मुझे कहीं से भी मिल जाए चाहे इंटरनेट से मिल जाए चाहे किसी बुक से मिल जाए तो अमेजोन पे जाओ अपनी स्टेशनरी पे जाओ उनको बोलो कि वर्बल रीजनिंग की जो भी बुक हो आई की छोड़ो यार किसी भी एग्ज़ाम की बुक हो तो उठा लो क्वेश्चन हमें सेम ही होते हैं पहले बता रहा हूँ मैं ठीक है टेंशन मत लो इस चीज़ की एंड ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना इसके बाद तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं जैसे सेंटेंस कंप्लीशन वाले क्वेश्चन हो गए कि आपको एक सेंटेंस दे रखा है उसमें एक फिल इन द ब्लैंक दे रखा है एंड आपको इज़ एम वॉज़ वर जो भी आपको उसमें टिक करना है इसके अंदर भी जो आपको पहला मन में आ, लगता है कि ये चीज़ सही होनी चाहिए वो सही होती है ग्रामर वाले जो क्वेश्चन होते हैं जो हम बेसिकली स्कूल्स में भी करते हैं इसके अंदर भी कोई मैं आपको पढ़ाने बैठ जाऊँ कि मॉडल्स क्या होते हैं और पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस इतना तो भाई मैंने भी आज तक नहीं पढ़ा तो मैं आपको क्या बताऊंगा जो मेरे मन में मेरे को लगता था सही आंसर है उसको टिक कर दो एंड नाइन्टी परसेंट ऑफ टाइम वही सही होता है आंसर अगर आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं ग्रामर के सेंटेंस कंप्लीशन के एंड पैरा जंबल वाले क्वेश्चन भी आते हैं कि पैरा जंबल में या सेंटेंस जंबल uh, होते हैं तो आपको सही ऑर्डर में उनको लगाना होता है तो ये कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि वर्बल रीजनिंग में आते हैं अब मैंने सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट कवर कर दिए जो कि वर्बल रीजनिंग पूछे जाते हैं कोई अगर मुझसे पूछता है कि कैसे प्रिपेयर करना है तो यार ऑनेस्टली बताऊँ तो वर्बल रीजनिंग के बारे में कोई प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी है नहीं आप कोई कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो वो आपको आ, बहुत कुछ पढ़ाने बैठा देंगे क्योंकि उन्होंने आपसे फ़ीस ले ली है एक साल की तो वो आपको बताएंगे कि इस वर्ड को पढ़ लो ये पूरी आपको डिक्शनरी खोल के दे देंगे ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये पिछले साल आ चुका है ये इतने साल में आ चुका है अरे कोई गारंटी नहीं है कि अगर ये वर्ड पिछले साल आया तो इस बार भी यही देंगे राइट आपको अपने लाइफ में चेंज करना है आपको इंक्विजिव रहना है एंड नए नए वर्ड्स ढूंढते रहना है उनकी मीनिंग ढूंढते रहना है अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी वर्बल रीजनिंग ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होगी मैंने जैसे बताया मीनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं जो आपको पढ़ना है अगर फिर भी तो मैंने आपको बताई दिया कैसे पढ़ना है ईडीएम्स पढ़ लेना फ्रेजेस पढ़ लेना मेल uh, फीमेल वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेना उसके अलावा ग्रामर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना रीडिंग कॉम्बिशन प्रैक्टिस कर लेना एंड वर्बल रीजनिंग आपकी थ्रू है वर्बल रीजनिंग में और कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल मजे में जाना ये सोच के बैठना कि वर्बल रीजनिंग तो मैं अच्छे से करके आऊंगा ही ठीक है अपने प्रेशर मत डालना कि सारे के सारे में सही करके आऊँगा क्योंकि ऐसा नहीं हो पाता है ग्रामर के अंदर भी कोई ना कोई गलती हो जाती है कभी लेकिन आपको अच्छा परफॉर्म करके आना है मैं ये नहीं कह रहा आपको सारे आने चाहिए क्योंकि प्रिपरेशन भी इसकी कोई ऐसे नहीं है कि आप सारी करके बैठेंगे क्वांट में तो क्या है मैंने चार आपके चैप्टर्स हैं ब्लड रिलेशन है परसेंटेज है प्रॉफिट लॉस है आपने पढ़ लिया सब कुछ वर्बल रीजनिंग में कोई ऐसा सिलेबस है नहीं मैंने आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन बता दिए हैं कोई आपके पास वर्बल रीजनिंग की बुक हो फ्री टाइम में उसको बैठ के प्रैक्टिस करो मेन फोकस अपना लॉजिकल रीजनिंग और कॉन्फिट डालो मेरे हिसाब से एंड अपना फ्री टाइम में प्रैक्टिस करते हो वर्बल रीजनिंग वर्बल रीजनिंग बहुत ईजी है एंड अच्छे से हो जाएगा सो दिस वॉज माई टेक क्योंकि देखो यार मैं आपको ना बैठ के पढ़ा नहीं सकता हूँ मैं ये सब चीज़ें कर चुका हूँ इसलिए मैं आपको बस ये बता सकता हूँ कि अगर आपको सब कुछ देख के चक्कर आ रहा है तो मेरे साथ भी ये सब हो चुका है तो कोई नई बात नहीं है मैं आपकी हेल्प करने के लिए बैठा हूँ एंड मैं आपको समझा सकता हूँ कि यार ये 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 ऐसे ऐसे करना है एंड ये चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं आपकी उस चीज़ में हेल्प कर सकता हूँ आई होप आपको समझ में आया होगा कि वर्बल रीजनिंग आपको कैसे पढ़नी है एंड uh, जो भी अपना प्रिपेयर कर रहे हैं आई के लिए उनको ऑल द बेस्ट यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा मेरा अकाउंट प्राइवेट है सो यू कैन सेंड अ रिक्वेस्ट आई विल एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है पर्सनली एंड कोई आपको डाउट हो यू कैन डी एम ऑन इंस्टा या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं एंड आई विल मेक शोर टू रिवर्ट बैक टू यू दैट्स इट फॉर टोडे इस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो कोई भी चीज़ हो कमेंट कर देना कोई वीडियो सजेशन हो कमेंट कर देना या डी एम कर देना आई विल मेक अ वीडियो ऑन दट थैंक यू